हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सहबाज। आप देख रहे हैं स्मार्ट एयर कूल सिस्टम। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि R22 हो गया गैस, R134 हो गया, R410 हो गया, 32 नंबर गैस हो गया, इसका स्टैंडिंग प्रेशर कितना होता है, बैक प्रेशर कितना होता है, रनिंग प्रेशर कितना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा आपको R22। R22 का स्टैंडिंग प्रेशर है 150, 150 से 160, ये फिक्स नहीं है, प्लस माइनस 5% गैस का हो सकता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सिक्शन प्रेशर भी 60 से 70 आपको दिख रहा है, इसमें भी प्लस माइनस हो सकता है 5%। डिस्चार्ज प्रेशर भी आपको दिख रहा है 250 से 300, इसमें भी प्लस माइनस हो सकता है। अब बात करते हैं 410 का। तो फ्रेंड, एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, जैसे R22 है, R22 में हम लोग टॉप अप कर सकते हैं, क्योंकि एक गैस में कोई मतलब ये गैस नॉर्मल गैस है, इसमें हम लोग टॉप अप कर सकते हैं। और 410 ए रेफ्रिजरेंट 410 है, इसका स्टैंडिंग प्रेशर है 225 से 235, इसमें भी 5% प्लस माइनस होता है टेम्परेचर पे। सेक्शन प्रेशर 120 से 130, इसमें भी 5% प्लस माइनस होगा। डिस्चार्ज प्रेशर में भी 5% प्लस माइनस होगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और ये गैस दो गैस को मिला के बनाया गया, इसीलिए ये गैस को हम लोग टॉप अप नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं रेफ्रिजरेंट 134 ए में, जो हमारे रेफ्रिजरेटर में यूज़ किया जाता है। इसका स्टैंडिंग प्रेशर 80 से 95 होता है, इसमें भी 5% का प्लस माइनस हो सकता है। सेक्शन प्रेशर 10 से 15 होता है, 5% का प्लस माइनस इसमें भी होगा। डिस्चार्ज प्रेशर इसमें नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं R32 का, जो हम लोग का अभी चल रहा है। R32 का फ्रेंड स्टैंडिंग प्रेशर 240 से 245 है, इसमें भी 5% का प्लस माइनस हो सकता है। सेक्शन प्रेशर 110 है, 110 से 120, इसमें भी प्लस माइनस हो सकता है। और इसमें आपका डिस्चार्ज प्रेशर को नहीं नाप सकते, क्योंकि इसमें डिस्चार्ज प्रेशर नापने का कोई उपाय नहीं है। और फ्रेंड, ये 32 नंबर गैस को हम लोग टॉप अप भी कर सकते हैं, ये कोई रिक्स नहीं है, इसको आराम से टॉप अप कर सकते हैं वैक्यूम करके। अगर मान लीजिए इंडोर से लीक है, तो उसे गैस को बैक कर दीजिए इंडोर, उसको ठीक करके वैक्यूम करके गैस टॉप अप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 600 ए सबसे इम्पोर्टेंट है, 600 है, क्योंकि इसका बैक प्रेशर नहीं बताता है। इसका स्टैंडिंग प्रेशर 40 से 50 है, और इसका सेक्शन प्रेशर बैक प्रेशर जो है वो 0 से थोड़ा सा ऊपर रहता है, मतलब 0.1, मतलब 0 से 1, मतलब बोला जाता है इसको आपका 1 PSI बैक प्रेशर होता है। सो 0.10 bar, बार में 0.10 bar होता है PSI, और डिस्चार्ज प्रेशर है नहीं। तो 600 को वजन करके डालिए, नहीं तो उससे अच्छा है कि स्टैंडिंग प्रेशर 40 से 50 रख के मशीन को चालू कर दीजिए, मशीन आपका परफेक्ट काम करेगा। और अगर फ्रेंड आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।